नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष प्रताप। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं संस्कृत के मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये संस्कृत का मॉडल पेपर कई लोगों ने मिलकर बनाया है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें है। और आप भी उसको देख पाएंगे, देखेंगे और आपको लगेगा भी कि इसको पढ़ने के बाद आपको इधर उधर की चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी संस्कृत की सीरीज के सारे वीडियोस को तैयार करिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके 20 से ऊपर नंबर तो आने ही आने हैं, इतना मान के चलिए आप। तो आइए शुरू करते हैं। या का उच्चारण स्थान है तालु। पाणिनि प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अल्प प्राण संज्ञक वर्ण है या? संघार शब्द में उपसर्ग है सम। निरोग शब्द में उपसर्ग है निर। राम शब्द का खष्टी विभक्ति का बहुवचन रामायणा। दर्शनम गमनम में प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। कृति शब्द में धातु एवं प्रत्यय है क्रीधन अक्तिन प्रत्यय। 9 में वह लकार जो वेदों में प्रयोग होता है लेट लकार। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत कई बारी पूछा गया है लेट लकार। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कादंबरी में है, ये रचना है। ददति में लकार पुरुष एवं वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ददति। सतृणम शब्द का सही अर्थ है तृण को न छोड़कर खाना। अति स्नेह पाप शंकी सूक्ति से संबंधित ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अति स्नेह पाप शंकी सूक्ति से संबंधित ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पता होगा, कालिदास की रचना है, बहुत फेमस हुआ था, ये बहुत फेमस रचना है। सा विद्या विमुक्तये सूक्ति मुंडको उपनिषद से ली गई है, एकदम इसको रट लीजिएगा। प्राप्तो दकह शब्द में समास है बहुब्रीह। पौधन अकह पावकह में संधि है अयादि संधि। उक्ते कर्मणि का कारक है कर्ता। जात्या ब्राह्मणा में किस सूत्र में तृतीय हुई है? तो प्रकृत्यादभ्य उपसंख्यानम। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से नहीं थे कालिदास वर रुचि शंकुक वेता भट्ट अमर सिंह बारह मिहिर, ये सारे थे। हर्षवर्धन और भारव, हर्षवर्धन नहीं थे, वो अलग ही एक राजा थे, तो जो विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से नहीं थे। तो मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक हैं विशाखदत्त। नवरात्रम का विग्रह है नवाणाम रात्रिणाम समाहारः। अहम ग्रामम गच्छामि गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि का भाववाच्य होगा मया गम्यते। तुम पुस्तक पठसि कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट। धात्रंश का विच्छेद रूप है धात्र धन अंश। वसुधैव का विग्रह है वसुधा धन एव। श्रेयसी केन तृप्यते से संबद्ध ग्रंथ है शिशुपाल वधम। मधवा का पर्याय है इंद्र। देवताओं के वैद्य का नाम था अश्वनी। राक्षसेभ्यो हरि अलम में विभक्ति है चतुर्थी। संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी। नीति शतक के रचनाकार भर्तहरि। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 नीति शतक, ये रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। संस्कृत में किसको कारक नहीं माना जाता है? संबंध को कारक नहीं माना जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। जय काव्य या जय संहिता किसका प्राचीन नाम था? महाभारत का। रामायण के रचनाकार आदि कवि वाल्मीकि हैं। पुराणों के संकलनकर्ता वेदव्यास हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं रामायण को। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वेदों में सबसे अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन यानी नवीन वेद, अथर्वेद होता है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। रामायण में सर्गों की संख्या 500 है।
महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या भी 18 है। पांडवों के वनवास की कुल अवधि 13 वर्ष थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। अहल्या उद्धार किस कांड में है? बाल कांड में है। रामायण में कांडों की संख्या 7। क्रम की दृष्टि से रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि, रचना याद कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। कालिदास का प्रथम गीत काव्य या खंड काव्य मेघदूतम है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध हुआ। भास के नाटकों की संख्या 13 है। संस्कृत में एकांकी का जनक भास है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? शुक्ल यजुर्वेद। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। त्रिशंकु की कथा से संबंधित उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद माँ ग्रथा का सिचिद धनम सूक्ति कहाँ से ली गई है? ईशावासोपनिषद से। आचार परमो धर्मा मनुस्मृति से ली गई है। अहिंसा परमो धर्मा महाभारत से ली गई है। सत्यमेव जयते ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से है, सत्यम शिवम सुंदरम मांडू के उपनिषद से है। सा विद्या या विमुक्त ये भी मंडकोपनिषद से है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। नाटक के लिए कम से कम कितने अंक होने आवश्यक हैं? 5 अंक होने आवश्यक हैं। इसके बाद ये नीचे क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं जो हैंड रिटन है, उसके बाद वाले देखते हैं। यम और नचिकेता से संबंधित उपनिषद कठोपनिषद, कठोपनिषद ये भी इम्पोर्टेंट है। यम और नचिकेता का जो व्याख्यान है वो कठोपनिषद में है। वर्तमान काल से संबद्ध प्रत्यय शत्रु सानच। उत्तर रामचरित नाटक के लेखक भवभूति हैं। करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि को कवि भवभूति को ही कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, दश कुमार चरितम के रचनाकार दंडी। इसके बाद देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप दिख रहा होगा। वृक्षात पत्राणि पतंत इस वाक्य में अपादान संज्ञक है वृक्षात। अस्मद् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका रूप है मया। ये आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होगा, जो भी ये तृतीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति वाले सूत्र होते हैं, तो अस्मद् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का होगा मया। इसके बाद 324 सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति इस वाक्य में अधिकरण है शरीर। युष्मद् शब्द खष्टी एक वचन का रूप है ते। रामाय नमः में चतुर्थी का कारण है नमः। अस्मद् शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है नः। इसके बाद नश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है नश्यते। अस्मद् शब्द खष्टी एक वचन का रूप है में। इसके आप अस्मद् और युष्मद् के पूरे याद कर डालिएगा तो बार बार ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अहम गीताम पठामि का कर्मवाच्य प्रयोग है मया गीता पठते। इसके बाद प्रच्छ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रच्छतु। सीतया मृग है दृश्यते का कर्तवाच्य रूप है सीता मृगम पश्यति। इसके बाद लभ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है लभेरन। सह रोदति का भाववाच्य प्रयोग है तेन रुद्यते। अहम आवाम वयम विद्यालयम गृहे अपश्यम में से यथोचित शब्दों से वाक्य की रचना की गई है अहम विद्यालयम अपश्यम। इसके बाद राम के द्वारा दूध पिया जाता है का सही संस्कृत अनुवाद होगा रामेण दुग्धम पीयते। इसके बाद 337 है सह ते प्रणमति गुरोह गुरुवे यथोचित शब्दों से बना शुद्ध वाक्य है सह गुरुवे प्रणमति। तो ये हो गया ये इतने क्वेश्चन।
और कुछ इधर हैं। बालकाह अत्र पठनाय अगच्छता, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? आगच्छता है। ये उसके हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से सही नहीं लगा होगा, कोई और रूप इसका लगना चाहिए। शुद्ध वाक्य है, वृक्षेषु खगाः कूजन्ति सह बालकाः गंगा विहरति उद्याने जनान, इन पदों से बना शुद्ध वाक्य है सह बालकाः विहरति। सह बालकाः विहरति अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है असाम। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अनयः। मधु शब्द चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है मधुने। जगत शब्द षष्ठी विभक्त एक वचन का रूप है जगतः। तो ये रूप आपको याद ही करने पड़ेंगे। शुद्ध वाक्य है सह नद्याम स्नाति। चारों वाक्यों को देख लीजिए अपने हिसाब से। तो सह नद्याम स्नाति शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? सह फलम पश्यामि अहम दुग्धम पिवामः बालिका पठसि एका शोभना बालिका नृत्यति। तो इसमें शुद्ध वाक्य ये होगा स्वच्छम जलम सर्वदा सुखदम भवति, इस वाक्य का पूरक पद है। अस्माकं देशे काः समस्याः सन्ति, इस वाक्य का पूरक पद है। तो इस भाग में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो इस संस्कृत की सीरीज के सारे भाग देखिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। 20 से अधिक अंक आप निश्चित तौर से पाएंगे। तो इस भाग में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।